नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। तीन स्टॉक्स के बारे में आप सभी के साथ यहां पे डिस्कस करने वाला हूं और दो स्टॉक्स के तो नंबर्स काफी शानदार आते हुए दिख रहे हैं और एक ऐसी कंपनी है जिसको आप सभी के साथ मैंने काफी बार शेयर किया है और जो कंपनी तो अच्छी है बट अभी समय खराब चल रहा है और ये लगभग 1.5 साल हो गई है जब से समय खराब चल रहा है। तो सबसे पहले इसी के साथ शुरुआत करते हैं और उसके बाद अच्छे नंबर्स आप सभी के साथ डिस्कस करूंगा, मतलब बहुत ही शानदार नंबर आए हैं, मजा आ जाएगा सुन के। पहले शुरुआत करते हैं एक सुस्त नंबर्स के साथ। स्टॉक का नाम है आरती इंडस्ट्रीज। देखिए, आरती इंडस्ट्रीज की बात की जाए तो केमिकल क्षेत्र में एक कंसिस्टेंट परफॉर्मर रही है ये कंपनी और एक बहुत ही शानदार पैसा बना के दिया है अपने निवेशकों को लंबे समय में। 20-25% की कैगर से स्टॉक कंटिन्यू भागता रहा है, 4 साल में आपका पैसा डबल करता रहा है। लेकिन 2021 में एक एक्सेप्शनल तेजी बनी कोविड के बाद सारे के सारे केमिकल स्टॉक्स में। जो शेयर हर 4 साल में पैसा डबल करता था उसने ऑलमोस्ट आपका 1 साल में डबल किया और उसके बाद से जो प्रॉफिट बुकिंग जो करेक्शन चल रहा है वो अभी तक खत्म ही नहीं हुआ। स्टॉक के प्राइस में तो चल ही रहा है, साथ ही साथ कंपनी के फाइनेंशियल्स में चल रहा है। लेकिन इस बार एक इंटरेस्टिंग चीज निकल के आ रही है, वो भी शेयर करता हूँ। कंसोलिडेटेड नेट प्रॉफिट कंपनी का अगर साल दर साल घटा है तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर इंप्रूव भी हुआ है, ये अच्छी चीज है। अगर आप प्रॉफिट देखेंगे तो साल दर साल 124 करोड़ से प्रॉफिट घटकर 91 करोड़ का रह गया है। वहीं अगर आप क्वार्टर ऑन क्वार्टर देखेंगे तो 70 करोड़ से प्रॉफिट बढ़कर 91 करोड़ का होता हुआ दिख रहा है आपको। रेवेन्यू की बात की जाए तो 1685 करोड़ के सामने 1454 करोड़ का रह गया है ईयर ऑन ईयर बेसिस पे, बट क्वार्टर ऑन क्वार्टर 1414 करोड़ के सामने 1454 करोड़ पे आता हुआ दिखा है। तो रेवेन्यू हो या प्रॉफिट हो, क्वार्टर ऑन क्वार्टर अच्छा मूव आया है बट ईयर ऑन ईयर बेसिस पे गिरावट ही देखने को मिल रही है। कामकाजी मुनाफा देखोगे अगर आप तो 267 करोड़ के सामने 233 करोड़ रुपए है साल दर साल, एंड मार्जिन्स में इंप्रूवमेंट है, ये अच्छी बात है। 15.85% से बढ़कर 16.02% पे मार्जिन्स आते हुए दिखे। ये शेयर कंटिन्यू टूटता हुआ दिखा है बीते कुछ दिनों में और इस स्टॉक ने एक अंडर परफॉर्मेंस दिखाई है, बट पूरे केमिकल क्षेत्र ने दिखाई है, चाहे आप दिग्गज SRF देख लीजिए या फिर दीपक नाइट्राइट देख लीजिए, आरती इंडस्ट्रीज देख लीजिए। कितनी गिरावट हो सकती है इसका जवाब मैं आपको क्या दूं, आप खुद ही सोच लीजिए कि स्टॉक 2 साल से अंडर परफॉर्म कर रहा है लेकिन फंडामेंटल्स कंपनी के खराब नहीं है। ऑलमोस्ट आपको 4 साल पुराने भाव पे मिल रहा है ये स्टॉक, आप कह सकते हो 2019 में शेयर का भाव 425 पे था। तो मेरे को तो लगता है अगर 4-5 साल के व्यू से कोई देख रहा है तो ये अपॉर्चुनिटी और इससे अच्छी अपॉर्चुनिटी नहीं मिलेगी। रिसेंटली HDFC सिक्योरिटीज की 2 हफ्ते पहले इस पे एक बाय टारगेट आए हैं और बाय के साथ उन्होंने 639 रुपीज का टारगेट भी दिया है, तो ये एक फ्रेश अपडेट है। अब आ जाते हैं तंगड़े नंबरों पे। तो सबसे पहला नाम आ रहा है HBL पावर सिस्टम का। क्या नंबर पेश करें इस कंपनी ने। सबसे पहले प्रॉफिट की बात करूं तो 20 करोड़ से प्रॉफिट बढ़कर 69 करोड़ पे आता हुआ दिखा है साल दर साल, ऑलमोस्ट 3.5 टाइम्स का प्रॉफिट हो गया है। 20 करोड़ से बढ़कर 69 करोड़ पे प्रॉफिट आया है। अगर आप क्वार्टर ऑन क्वार्टर भी देखेंगे तो भी जंप है अच्छा खासा, 51.7 करोड़ से बढ़कर 68.7 करोड़ का प्रॉफिट है। तो यहां क्वार्टर ऑन क्वार्टर साल दर साल दोनों जगह ही अच्छे जंप दिख रहा है प्रॉफिट में तो कंपनी के। रेवेन्यू की बात की जाए तो 314 करोड़ से बढ़कर 557 करोड़ का रेवेन्यू ईयर ऑन ईयर बेसिस पे आया है, एंड क्वार्टर ऑन क्वार्टर 467 करोड़ के सामने 557 करोड़ का आता हुआ दिखा है। तो चाहे क्वार्टर ऑन क्वार्टर हो चाहे ईयर ऑन ईयर बेसिस पे हो, बहुत ही शानदार नंबर दिख रहे हैं HBL पावर सिस्टम के। कामकाजी मुनाफा कंपनी का 3 गुना हो गया है, 333 मिलियन से बढ़कर 101 बिलियन, यानी कि 33.3 करोड़ के सामने 101 करोड़ का प्रॉफिट कंपनी ने पेश करा है। और मार्जिन्स देखेंगे तो 10.6% से बढ़कर 18% के आते हुए दिखे हैं, तो बहुत ही शानदार नंबर है। एक बार स्टॉक का चार्ट पैटर्न देखें, टू और बाप रे, शेयर का भाव बीते 2 साल में मल्टीबैगर हो गया है, 50 रुपए से बढ़कर 300 का हो गया है, लगभग 500% के रिटर्न है। कोई बाय की रिकमेंडेशन नहीं है और कोई ये नहीं है कि खरीदना चाहिए शेयर को, बट जिस हिसाब से कंपनी का शेयर भागा है उसी हिसाब से कंपनी के फाइनेंशियल्स भी भाग रहे हैं। डेफिनेटली जिनके पास है उनके लिए 255 रुपए का एक स्टॉप लॉस जरूर बनेगा 255 का, एंड होल्ड करने की राय होगी। नेक्स्ट स्टॉक है डेटा पैटर्न्स। डेटा पैटर्न्स के चाहने वालों की कमी नहीं है और नंबर्स अच्छे लग रहे हैं। 21 करोड़ से प्रॉफिट बढ़कर 33.8 करोड़ पे आया ईयर ऑन ईयर बेसिस पे, एंड क्वार्टर ऑन क्वार्टर 25.8 करोड़ से बढ़कर 33.8 करोड़ पे आया। तो साल दर साल क्वार्टर ऑन क्वार्टर दोनों जगह जंप है, अच्छी बात है। वहीं रेवेन्यू देखोगे आप तो 88 करोड़ से बढ़कर 108 करोड़ पे आया ईयर ऑन ईयर बेसिस पे, एंड 89.7 करोड़ से बढ़कर 108 करोड़ पे आया क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे।
मार्जिन 34% से बढ़कर 37.29% हो गए हैं साल दर साल। कामकाजी मुनाफा 30 करोड़ से बढ़कर 40 करोड़ पे हो गया है। तो ये नंबर्स भी अच्छे दिख रहे हैं। एक बार टेक्निकल स्ट्रक्चर भी देख लेते हैं स्टॉक का, डाटा पैटर्न्स का कि कैसा दिख रहा है, तो वो भी मैं आप सभी के साथ शेयर कर देता हूँ। 1918 रुपीज के भाव पे बंद हुआ है। अभी रिसेंटली स्टॉक ने 2400-2500 के हाई लगाए हैं सितंबर फर्स्ट में और वहां से करेक्शन आई है। तो यहाँ एक ट्रेड बन सकता है। अगर आपका 100 रुपए का स्टॉप लॉस बन रहा है, अगर आप ट्रेड ले सकते हैं, रिस्क कैरी कर सकते हैं, तो 100 रुपए का स्टॉप लॉस है और आपके लिए जो लक्ष्य है वो 2100 का बनेगा, यानी 200 रुपए का 1:2 का रेशो आ रहा है। तो ये कहीं ना कहीं व्यू हो सकता है आप सभी का। बाकी इन्वेस्टर्स के लिए मैं ये कहूंगा, बने रहे जब तक स्टॉक 1800 का लेवल ब्रेक ना करे। करेंटली 1918 पे प्लेस्ड है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।